Okay, students, so here I'm again with you guys, people, and today I'm going to talk about liquid and solids. और आज के टॉपिक में जो है हम कुछ खास बात करने वाले हैं 4.2.2 में और प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की आज हम बात करेंगे. तमाम प्रॉपर्टीज को डिस्कस तो नहीं किया जा सकता रैंडमली एक ही वक्त में, लेकिन पांच प्रॉपर्टीज को मैं डिस्कस कर देता हूँ. उसके बाद इंशाल्लाह हम बाकी जो पांच प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में करेंगे. टोटल 10 प्रॉपर्टीज हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है. आपको बोर्ड में इन्हीं प्रॉपर्टीज में से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, जैसे एनिसोट्रॉपी क्या होती है, हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स के से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब होता है, इसके अलावा आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्रिस्टल्स को लेके क्या होता है, एलोट्रॉपी, ट्रांजिशन टेम्परेचर जैसे सवाल बोर्ड में आ जाते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में कम से कम 4 से 5 नंबर 6 नंबर ज़रूर देकर जाएगा, कम से कम 4 नंबर तो देगा. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्री की. ज्योमेट्री में अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री स्टूडेंट्स हर किसी चीज़ की सॉलिड्स हैं, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं तो ज्योमेट्री की बात लाजमी की जाएगी, क्योंकि जो सॉलिड्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनकी ख़ास ज्योमेट्री होती है, राइट. सो यू कैन जस्ट से इट दैट कि जो ये जो ज्योमेट्री है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, इनमें हम एक खास चीज़ देखते हैं, दैट इज़ इंटरफेशियल एंगल्स एट विच द सर्फेसिस इंटरसेक्ट आर ऑलवेज द सेम नो मैटर इन विच शेप दे आर ग्रोन. यानी जो ज्योमेट्री है वो सेम रहती है क्रिस्टल्स की, और यू कैन जस्ट से दैट कि जैसे लर्जेस दैट कि हमारे आप जिस रूम में बैठे हुए हैं या जिस भी जगह पे आप मौजूद हैं वहाँ पे जो एक फेस है जो आपको किसी कमरे का नज़र आता है, तो तमाम क्रिस्टल्स के फेसेस ऐसे ही रहेंगे. और ये नहीं होगा कि क्रिस्टल जो हैं वो डिफरेंट फेसेस के साथ ग्रो कर रहे हैं. यानी अगर एक क्रिस्टल बन गया है, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ काइंड ऑफ क्रिस्टल फॉर यू. जैसे ये देखें, अब आपने ये क्रिस्टल ग्रो करवा लिया है, लेट जस्ट से दैट इट्स अ क्रिस्टल. अब इसमें आपको एक ये फेस नज़र आ रहा है, राइट, दैट्स द फेस, राइट. अब इसमें ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, देयर आर लॉट ऑफ एंगल्स. तो ये एंगल जो है दे आर कॉल्ड एज द इंटरफेशियल एंगल्स. ये हमेशा सेम रहेंगे, नॉट इवन फ्रॉम द फ्रंट साइड, फ्रॉम द बैक साइड, फ्रॉम अप डाउन, यू नो, टूवर्ड योर लेफ्ट एंड राइट साइड्स, ये हमेशा सेम रहेंगे. दैट लिटरली स्पीक्स अबाउट ज्योमेट्री, कि ये ज्योमेट्री होती है. बहरहाल हमें जो चीज़ मेंशन रखनी है दिमाग में यही कि तमाम क्रिस्टल की ज्योमेट्री सेम रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है, और इंटरफेशियल एंगल्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स वो बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की. स्टूडेंट्स अगर हम मेल्टिंग पॉइंट्स को देखें तो जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के काफ़ी ज़्यादा होते हैं. जैसे अगर हम NaCl की ही बात कर लेते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इसका है 800 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो दैट इज़ 1430 डिग्री सेल्सियस. यू कैन जस्ट से दैट कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें बड़ी ख़ास रिजिड हार्ड शेप अरेंजमेंट्स, 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट्स हैं, और उन अरेंजमेंट्स को तोड़ना आसान काम नहीं है. थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इनको तोड़ना आसान काम क्यों नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो चले मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि इनमें आयोनिक फोर्सेज मौजूद हैं, और आयोनिक फोर्सेज जो स्टूडेंट्स होती हैं दे आर समथिंग वेरी, यू कैन से दैट दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग फोर्सेज किसी और फोर्सेज की बनस्पत. नो डाउट आयोनिक फोर्सेज और मेटालिक फोर्सेज में कंपैरिजन रहता है हमेशा कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है. पर जो नमकियात हैं, जो सॉल्ट्स हैं, उनमें ज़्यादातर आयोनिक फोर्सेज ही होती हैं, और उनमें देख सकते हैं आपके NaCl का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट. इसलिए आप इन सॉलिड्स को किसी और चीज़ को गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे भुट्टा पकाना है, छली वगैरह बनानी है, तो आप नमक में देखते हैं इसको भुना जाता है, क्योंकि छली में कोवलेंटनेस मौजूद है, बायोमोलिक्यूल्स मौजूद हैं, उसमें इतना कोई खास का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं है. तो आप इस सॉलिड यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड की मदद से उसको गर्म कर सकते हो, मतलब इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल इस लिहाज से किया जा सकता है. बहरहाल मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बहुत ज़्यादा होते हैं. ये पॉइंट टू बी मेंशन है, इसको आपको याद रखना है. उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम मजीद आगे चलकर मजीद बात करें तो क्लेवेज प्लेन्स की बात होती है. क्लेवेज प्लेन्स स्टूडेंट्स ये होते हैं कि इफ देयर इज समथिंग लाइक एटम्स आर अरेंज, तो ये क्लेवेज प्लेन है स्टूडेंट्स, ये क्लेवेज प्लेन है.
यानी ये हो सकता है कि ये ऊपर वाले जो एटम्स हैं दे विल शिफ्ट डाउन लाइक दिस और एक और वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, यानी जो आपको नजर आ रहा था कि जो दो लेयर्स थी वो एक लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. क्लेविज प्लेन्स क्या होते हैं? यू कैन जस्ट से दैट कि क्लेविज प्लेन्स जो हैं दे आर वेरी हेल्पफुल दे आर वेरी इफेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड्स, राइट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. द क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो हमेशा ब्रोक डाउन इन टू अ डेफिनेट शेप्स, डेफिनेट प्लेन्स, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. और इसमें जो है मुख्तलिफ आप जब सॉलिड्स को तोड़ते हैं तो वो एक ख़ास सिमेट्री से टूटते हैं, अलहदा होते हैं दूसरे से. आपने देखा होगा इस चीज़ को कि जब आप किसी नमक वगैरह का, आप कभी खेड़ा वगैरह की माइंस के पास गए होंगे, जब वो पत्थर तोड़ते हैं तो एक ख़ास तरीके से टूटता है, एक स्ट्रेट लाइन्स बना बना के. यानी उनके अंदर जो क्लेविज प्लेन्स होते हैं वो क्लेविज प्लेन्स के थ्रू वो टूट जाता है. यानी कि देर इज़ नॉट अ रैंडम काइंड ऑफ ब्रोकेज, रैंडम काइंड ऑफ ब्रोकेज से वो नहीं टूटता, राइट. सो देर इज अनदर प्रॉपर्टी क्लेविज प्लेन्स. उसके बाद स्टूडेंट्स देर इज अनदर प्रॉपर्टी विच इज नॉन एज एनिसोट्रॉपी. हियर वी हैव एनिसोट्रॉपी, फोर्थ प्रॉपर्टी. दैट इज फ्यू लाइन जो मैंने एनिसोट्रॉपी पे लिखी. एनिसोट्रॉपी जो है ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि डायरेक्शंस पे डिपेंड करती है. जैसे मैं आपको पहले थोड़ा समझा लूँ ये एनिसोट्रॉपी क्या होती है. एनिसोट्रॉपी ये होती है कि जैसे अब ग्रेफाइट है, उसका एक रॉड है, आपको पता है ग्रेफाइट बिजली का कंडक्टर होता है. अब यहाँ से करंट लगाकर उसको यहाँ पे करंट को फ्लो करवाएंगे तो शायद इतना अच्छा फ्लो ना करे. अब यहाँ से करंट लगाकर लेफ्ट टू राइट दो साइड्स हैं, अब आपने राइट साइड से लेकर अगर लेफ्ट साइड पर करंट को लेकर आना है तो वो ज़्यादा अच्छा फ्लो करेगा. यानी कि क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है वो डायरेक्शनल है. तो ये एक प्रॉपर्टी एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है. यानी इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्शंस हैं वो डिसाइड करती हैं प्रॉपर्टीज़ को. यानी अगर आप देखें लेफ्ट टू राइट तो इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है ग्रेफाइट, लेकिन राइट टू लेफ्ट जो है वो बिजली को अच्छा कंडक्ट कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि इट गॉट सम एनिसोट्रॉपी इन इट, राइट, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी. सो प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट अपॉन डायरेक्शंस, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसकी एग्जांपल हो सकता है, थर्मल एक्सपेंशन आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी मैंने भी आपको बताई है. उसके अलावा क्लेविज भी एक एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है फॉर द सेक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. सो सम ऑफ द क्रिस्टल्स शो वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शंस. यानी वेरिएशन शो कर रही हैं किस पर, डायरेक्शंस के ऊपर. सो सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज एंड द फिनोमेना इज रेफर्ड एज एनिसोट्रॉपी. सो इफ यू जस्ट मूव टुवर्ड द लास्ट यू कैन हेडिंग ऑफ दिस लेक्चर, सिमेट्री. सिमेट्री क्या होती है, जैसे आप देखें, अगर मुझे ही देखें सिमेट्री को पहले समझें सिमेट्री क्या होती है. सिमेट्री में जस्ट करेक्ट माई सेल्फ. सो सिमेट्री जो है इसमें क्या है कि वी गॉट सम बॉडी प्लेन्स, लुक एट दैट. मेरे जो आपकी बॉडी का जो हाफ पार्ट है वो आपके हाफ पार्ट से बिल्कुल मैच करता है, ये वाला हाथ जो है वो उस हाथ से मैच करता है. तो ये सिमेट्रिकल है. यानी अगर आप किसी चीज़ को हाफ प्लेन में कट करें, जैसे ये डस्टर भी है, इसको हाफ प्लेन में कट करें तो इधर वाली साइड सम हाउ इस उधर वाली साइड से मैच कर जाए तो उसको कहते हैं सिमेट्रिकल. तो सिमेट्री यही होती है कि इट्स समथिंग लाइक द रिपीटिशन ऑफ फेसेस, एंगल्स, एजेस विद इन अ क्रिस्टल व्हेन रोटेटेड एट 360 डिग्री अपॉन इट्स एक्सिस. तो यानी एक रिपीटिशन इन प्रॉपर्टी है. जिस तरह देख रहे हैं आपके यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं फेस की, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, यही फिर आप दूसरे पर भी नज़र आ रही हैं. तो ये सिमेट्री है, राइट. सिमेट्री में मैंने यही बात यहाँ पर भी दर्ज की है कि रिपीटिशन इन द फेसेस, एंगल्स और एजेस व्हेन अ क्रिस्टल रोटेटेड अबाउट 360 अलोंग इट्स एक्सिस. अब जो सिमेट्री होती है ना स्टूडेंट्स, इसके सिमेट्री से मुराद है कि जो किसी भी क्रिस्टल है उसकी क्या सिमेट्री होगी, वो किस तरह का दिखेगा, राइट. वो उसके प्लेन अगर हम हाफ कट करेंगे तो इधर वाला प्लेन और इधर वाला प्लेन कैसा उसका नज़र आएगा, दैट इज सिमेट्री. अब इसके कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं, आपने पढ़े होंगे या फर्स्ट टाइम आप देख लें फिर इस चीज़ को. इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री की बातें की जाती हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री. इसके अलावा बातें की जाती हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री. और इसके अलावा बातें की जाती हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की. यानी दीज आर द मेजर वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर द सिमेट्रिकल काइंड ऑफ टॉपिक्स इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पांच प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया.
ज्योमेट्री, मेल्टिंग पॉइंट, क्लेविज प्लेन्स, एनिसोट्रॉपी एंड सिमेट्री. तो ये टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने, इफ़ यू वांट टू नो दिस यू कैन रिवाइंड माय वीडियो मोर, यू कैन लिसन मी टू और थ्री टाइम्स. इससे आपको ज़रा थोड़ा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होगी. ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग दिस टॉपिक, जिसमें मैं आपको हैबिट ऑफ क्रिस्टल, डायज़ोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रॉपी और ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में बताने की कोशिश करूँगा. और इफ़ यू वॉन्ट टू सी माई वीडियोज़ विद अ सीक्वेंस, तो स्टूडेंट्स आप एक वेबसाइट है institute.com, वहाँ पे केमिस्ट्री पार्ट वन के तमाम एक चैप्टर वाइज सीक्वेंस से लेक्चर्स मौजूद हैं, वहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं. इधर नीचे लिंक भी दिया होगा, आप नीचे लिंक दे सकते हैं. ओके, सो आई थिंक यू विल फाइंड ऑल दी स्टफ इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड. और जैसा कि मैंने आपको बताया, institute.com पे आप विजिट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम. ओके स्टूडेंट्स, फील यू आर फाइन, एंड टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. और लास्ट टाइम मैंने आपको 5 प्रॉपर्टीज बताई थी, आई होप आपको याद होंगी. अब आज हम जरा 2 प्रॉपर्टीज के बारे में जरा तफसील से बहस कर लेते हैं, द हैबिट ऑफ क्रिस्टल एंड द आइसोमॉर्फिज्म. राइट, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स क्या होते हैं. द शेप ऑफ अ क्रिस्टल इन विच इट्स यूजली ग्रोज इट्स कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स. ये मैंने क्या कहा, ये मैंने ये कहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है किसी भी नमक का, उसके बाद आप उसको सैचुरेट करने के बाद उसकी कूलिंग कर रहे हो, स्लो कर रहे हो, या सुपर सैचुरेट बना दिया उसकी कूलिंग कर रहे हो, स्लो कूलिंग कर रहे हो, तो वो क्रिस्टल्स में आना शुरू हो जाएगा, यानी इसका क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएगा कूलिंग करने से. अब वो क्रिस्टल जो हैं, दे आर बीइंग समथिंग लाइक इन नेचर, उनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होंगी उन क्रिस्टल्स की. तो यू कैन जस्ट से दैट कि स्लो कूलिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर आप करोगे तो आप क्या हासिल करोगे, क्रिस्टल हासिल करोगे. और इन क्रिस्टल्स का ऑब्टेन करना कि कैसा क्रिस्टल आपको मिल रहा है, इसको कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल. अच्छा, अब ये जो ग्रोइंग होता है, क्रिस्टल जिस तरह बन रहे होते हैं, क्रिस्टल की शेप जिस तरह भी बन रही होती है, तो क्रिस्टल्स की शेप को आप कह सकते हो कि जिस तरह की भी वो बन रही है उसको आप क्रिस्टल की शेप को चेंज कर सकते हो. याद रखो, ये डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे कि क्रिस्टल्स की शेप कैसी होगी. अगर क्रिस्टल की शेप जो है, यू कैन जस्ट से दैट आपको चेंज चाहिए, तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दो, क्रिस्टल की शेप भी चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, जैसे NaCl है वो क्यूबिक शेप में रहता है, लेकिन जब आप उसको स्लोली कूल करते हो NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाकर, लेकिन जब आप उसमें यूरिया ऐड कर देते हो तो फिर वो क्यूबिक शेप में आपको नहीं मिलेगा क्रिस्टल, बल्कि आपको वो किस शेप में मिलेगा, नीडल लाइक शेप में मिलेगा. यानी दैट इज़ अ हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल, कि अगर आपने उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर दी तो उसका जो ग्रोथ है वो क्यूबिक नहीं होगा, अब उसका ग्रोथ क्या होगा, नीडल लाइक होगा. तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड किया. इसके अलावा और भी बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड सम अदर कंपाउंड्स का एडिशन. तो यू कैन जस्ट से दैट किस लिहाज से आप जो है उसमें चेंजिंग ब्रिंग इन कर सकते हो. सो दैट इज द हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स. क्या हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स, के शेप ऑफ क्रिस्टल्स इन विच इट यूजली ग्रोज, कि जिस तरह की शेप में क्रिस्टल ग्रो करना चाह रहा है उसको आप कहोगे हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स. लेट्स टॉक अबाउट आइसोमॉर्फिज्म. स्टूडेंट्स, आइसोमॉर्फिज्म जो है, इट्स अ फिनोमिना कि अब हमारे पास दो केमिकल सब्सटेंसेस हैं. क्या है हमारे पास, दो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम आइसोमॉर्फ्स कहते हैं. अब उन दोनों की क्रिस्टल की शेप जो है वो एक जैसी है. अब आप सोच रहे होंगे, सर दो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, दोनों की क्रिस्टल की शेप एक जैसे कैसे हो सकती है? तो स्टूडेंट्स, हो सकती है. यही तो एक केमिस्ट्री है कि जो क्रिस्टल्स की शेप है वो केमिकल पर डिपेंड नहीं करती है. ठीक है, द शेप ऑफ अ क्रिस्टल्स इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द केमिकल नेचर, बल्कि ये डिपेंड करती है किस पर, नंबर ऑफ एटम्स पर, उनकी अरेंजमेंट्स पर. हो सकता है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स, इसमें नंबर ऑफ एटम्स सेम हो जाएं और उनकी शेप सेम हो जाए. जैसे मैं आप एग्जांपल कोड कर रहा हूँ यहाँ पे, नाइट्रेट एंड कार्बोनेट, ये दोनों जो हैं इनमें नंबर ऑफ एटम्स सेम है, यानी इसमें भी 4 एटम्स हैं और इसमें भी 4 एटम्स हैं. अब इन दोनों की शेप जो है वो ट्राइंगुलर है. आपने फर्स्ट ईयर में आगे जाके पढ़ना है वेस्पर थ्योरी को, तो वहाँ पे डिटेल में मैं आपसे ही बातें करूँगा. तो दोनों की शेप क्या है, सेम है, हालांकि दोनों केमिकल सेम नहीं है. सो दैट इज आइसोमॉर्फिज्म.
कि अगर क्रिस्टल जो है, अगर शेप्स अगर मॉलिक्यूल्स की जो है वो अगर सेम है तो दे आर शोइंग आइसोमॉर्फ. मॉर्फ का मतलब स्टूडेंट शेप होता है और आइसो का मतलब होता है सेम. सो दैट्स द केमिस्ट्री इनसाइड इट. इसके अलावा मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ आइसोमॉर्फ्स की, जो कि मैंने थोड़ी सी बता भी दी हैं. आइसोमॉर्फ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. आइसोमॉर्फ यानी ये क्रिस्टल है जो उसकी शेप और इस क्रिस्टल की शेप, दोनों की शेप सेम है. अब आप कहें इनकी दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो, ये ऐसा नहीं है. इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होंगी. क्यों नहीं होंगी? क्योंकि दोनों केमिकल सेम नहीं है. हाउ कुड यू से दैट कि दोनों केमिकल सेम नहीं है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो? सोचने वाली बात है. उसके बाद दे कैन क्रिस्टलाइज टुगेदर एज अ मिक्सचर. ठीक है, अब देखो क्रिस्टल सेम है ना, तो दोनों आपस में मिक्स हो सकते हैं. अगर क्रिस्टल्स की शेप सेम है, उनका स्टाइल सेम है, उनके इंटरफेशियल एंगल सेम है, तो फिर वो दोनों आपस में मिक्स हो सकते हैं. और जब वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, यू मेक अ मिक्सचर. यानी ये बात हो रही है कि जो आइसोमॉर्फ्स हैं, दे कैन मेक अ मिक्सचर. अब बुक में बहुत सी एग्जाम्पल लिखी हैं, मैं सब बता देता हूँ, लेकिन जो मैंने बोर्ड पर दर्ज की वो भी आपको बता देता हूँ. जैसे सोडियम नाइट्रेट है और पोटाशियम नाइट्रेट है, ये दोनों एक सॉल्ट्स हैं. ये रोम्बोहेड्रल शेप बनाते हैं. इनका जो रेशियो एटम्स का वो 1:1:3 है. ये रेशियो याद करना ज़रूरी है. पेज निकालें ज़रा किताब का अपना, पेज नंबर 97 निकाल लिए. पेज नंबर 97 पे जो है आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, उसमें आपको नज़र आ रहा है कि सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट जो है इनके अंदर रोम्बोहेड्रल शेप है. स्टूडेंट्स इसके नीचे एक और सॉल्ट्स हैं, पोटाशियम सल्फेट एंड पोटाशियम क्रोमेट. इन दोनों के भी देखें ऑर्थोरोम्बिक इनकी शेप है, उनका रेशियो है 2:1:4. ये भी याद करना ज़रूरी है. उसके बाद जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट हैं, इनका भी ऑर्थोरोम्बिक शेप है और 1:1:4, यानी इनमें एक एटम का फ़र्क है. उसके बाद सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड है. मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, लिख लें ब्रैकेट में. और क्यूबिक और इनकी शेप है और इनका रेशो 1:1 है, यानी आगे सारे रेशो 1:1 के हिसाब से हैं. और कॉपर और सिल्वर भी ग्रो सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में करते हैं, क्यूबिक में ही करते हैं, लेकिन जिंक और कैडमियम हेक्सागोनल शेप में ग्रो करते हैं. तो इस तरह ही हमारे पास कुछ और हैं, जैसे सल्फेट और क्रोमेट है. तो इसमें आप देख सकते हैं कि इन दोनों के अंदर जो टेट्राहीड्रल आपको शेप नज़र आएगी एटम्स के अंदर, ये है आइसोमॉर्फिज्म क्रिस्टल्स के अंदर. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि व्हेन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म दे आर शोइंग आइसोमॉर्फी आइसोमॉर्फिज्म. ठीक है, ये फिनोमिनन आइसोमॉर्फिज्म का है. सो होप सो आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपको हैबिट ऑफ क्रिस्टल और आइसोमॉर्फिज्म समझाने की कोशिश की है. तो स्टे ट्यून्ड विद माई नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं आपसे मजीद बात करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल की. इसमें पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बातें होंगी और एलोट्रॉपी के बारे में और ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में बातें होंगी. तो अगर आपने मेरी वीडियोस को सीक्वेंस से देखना है, इल्म की दुनिया की वेबसाइट के बॉटम में मेरा पेज मौजूद है, या कह लें लिंक मौजूद है, और institute.com वेबसाइट है, वहाँ पे आप प्रॉपरली जाकर मेरी सारी वीडियोस को देख सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड विद मी विद माई नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था ये वीडियोज़ जो हैं जो मैं आप कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है. So, hope so you are getting something out of it. Thank you so much for this time. Okay, students, so in today's lecture, I'm going to talk to you about some more properties of crystalline solids. And today, we will talk about polymorphism, allotropy, and transition temperature. स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फ की या पॉलीमॉर्फिज्म के फिनोमेना की. इसमें ये होता है स्टूडेंट्स कि जो कंपाउंड है वो एग्जिस्ट करता है इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म. यानी एक ही केमिकल, एक ही कंपाउंड, उसके एक से ज़्यादा क्रिस्टल हो सकते हैं. दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म. ऐसा कंपाउंड को पॉलीमॉर्फ कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें आप, सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करता है. यानी अब देखें क्रिस्टल, चाहे इसने 3-4 किस्में बना ली क्रिस्टल्स की. लेट जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है वो रोम्बिक हेड्रल रोम्बोहीड्रल में और ऑर्थो रोम्बिक की फॉर्म में दोनों में एग्जिस्ट करता है. यानी एक रोम्बिक हीड्रल फॉर्म भी है और ऑर्थो रोम्बिक फॉर्म भी है, लेकिन दोनों को जब रिएक्ट करवाएंगे तो दोनों ही सिल्वर नाइट्रेट है ना. केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होगी, सिर्फ क्या डिफरेंट होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी. क्यों? क्योंकि क्या है, शेप डिफरेंट है. मे बी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्रिस्टल का डिफरेंट हो सकता है. इस तरह ही कैल्शियम कार्बोनेट ट्राइगोनल और ऑर्थोरोम्बिक में वो एग्जिस्ट करता है. राइट, होप सो आपकी बात समझ में आई है. एलोट्रॉपी की बात करते हैं. एलोट्रॉपी में ये होता है कि एक एलिमेंट जो है वो एक से ज्यादा
जो है कह लें क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. एक एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर है, राइट? क्या है ये? सल्फर. सल्फर एग्जिस्ट करता है रोम्बिक में और मोनोक्लिनिक में, ठीक है? यानी यू कैन जस्ट से दैट कि अगर 95.5 डिग्री टेम्परेचर है तो वो रोम्बिक है. इससे ज़्यादा ज़रा सा हो जाएगा तो साथ ही वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मोनोक्लिनिक. यानी सल्फर जो है वो दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ये जो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक है ये एटम्स की अरेंजमेंट है, ये शेप्स हैं क्रिस्टल्स की. उसके बाद अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है, बकी बॉल भी है, राइट? यू कैन जस्ट से इट एज अ बकी बॉल एज वेल. यानी देखें अब इसमें आपको नज़र आ रहा है कि कार्बन जो है वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. डायमंड की फॉर्म में क्यूबिक है, ग्रेफाइट की फॉर्म में हेक्सागोनल शेप है, बकीबॉल की फॉर्म में जो है एक फुटबॉल टाइप शेप है, लाइक दिस. सो ये बकमिंस्टर फ्लोरेसेंस एक साइंसदान था, उसके नाम से इसको रखा गया. सिलेबस में आपके ये नहीं है, ये दोनों चीज़ें हैं आपके सिलेबस में. उसके बाद ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात कर लेते हैं. ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है कि जब एक क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होगी, लेकिन व्हाट्स द टेम्परेचर? तो वो टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर है. यानी जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि टेन है. अब टेन की शेप्स दो किस्म की हो सकती हैं, यानी एटम्स टेन के दो किस्म के लिहाज से अरेंज हो सकते हैं. जैसे अगर 13.2 डिग्री से टेम्परेचर कम है तो स्टूडेंट्स वो ग्रे कलर होगा टेन का और उसकी क्यूबिक शेप होगी, राइट? लेकिन अगर टेम्परेचर 13.2 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा लोकल टेम्परेचर स्केल में तो वो वाइट कलर का हो जाएगा और वो क्या हो जाएगी शेप उसकी? समथिंग लाइक टेट्रागोनल. तो यू कैन जस्ट से दैट टेम्परेचर एट विच वन क्रिस्टलाइन फॉर्म कैन चेंज इनटू अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर. ये सिंपल डेफिनेशन में लिख के दिए, बुक में थोड़ी कॉम्प्लेक्स है. उसके बाद सल्फर जो है वो रोम्बिक से मोनोक्लिनिक हो सकता है, 95.5 डिग्री टेम्परेचर है. और बुक में पेज नंबर 98 के ऊपर और भी एग्जाम्पल्स हैं, वो आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, साथ ना इनको मिस कीजिएगा. जिस तरह पोटाशियम नाइट्रेट है वो ऑर्थोरोम्बिक भी है और ऑर्थोरोम्बिक के अलावा रोम्बोहीड्रल भी है. तो ये 123 डिग्री टेम्परेचर रिक्वायर करता है अपनी शेप चेंज करने के लिए. सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट यानी हाइड्रेटेड फॉर्म में, तो सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म यानी पानी निकल जाता है इसमें से, तो ये दोनों फॉर्म जो हैं 32.38 डिग्री पे एग्जिस्ट करती हैं. यानी इससे पहले ये हाइड्रेटेड होता है, टेम्परेचर 32.28 से ज़्यादा बढ़ जाएगा या इतना हो जाएगा तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगा सोडियम सल्फेट जो है. उसके बाद सोडियम कार्बोनेट है, डेकाहाइड्रेट है, इसके साथ भी यही फिनोमेना है कि 32.38 डिग्री पर ये कह लें कि से कम टेम्परेचर पे 10 वाटर मॉलिक्यूल अपने अंदर रखेगा, लेकिन अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो ये तकरीबन 7 वाटर मॉलिक्यूल अपने अंदर रखेगा, यानी लोअर हाइड्रेट हो जाएगा. एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स ये जो टेम्परेचर है ना जिसके ऊपर यू कैन जस्ट से दैट ट्रांजिशन टेम्परेचर डिपेंडेंट है या चेंजिंग ऑफ शेप ऑफ अ क्रिस्टल, ये मेल्टिंग पॉइंट से कम ही होता है टेम्परेचर. यानी मेल्टिंग पॉइंट एक बड़ा टेम्परेचर है और मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ऐसे टेम्परेचर ज़रूर आते हैं जिसपे जो कंपाउंड होते हैं वो अपनी शेप्स चेंज कर रहे होते हैं. जैसे वो पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहे होते हैं, जैसे वो एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे वो ट्रांजिशन टेम्परेचर का फिनोमिनाज में अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. सो दीज आर द मेजर प्रॉपर्टीज़. मैंने अभी तक आपसे डिस्कस किया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, क्लेविज प्लेन्स हैं, एनिसोट्रॉपी जैसे टॉपिक्स हैं, सिमेट्री हैबिट ऑफ क्रिस्टल है, उसके अलावा आइसोमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इसके अलावा एलोट्रॉपी है, और लास्ट में मैंने आपको बताया है समथिंग लाइक ट्रांजिशन टेम्परेचर. सो दीज ऑल 10 प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थम्स अप प्रॉपर्टीज. इनको आप तैयार करें और होप सो आपके बोर्ड में 6 नंबर आएंगे अगर आप ये टॉपिक तैयार करके जाएंगे रिगार्डिंग टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. सो इफ यू वॉन्ट टू वॉच माई मोर वीडियोज यू कैन विजिट institute.com. And hope so you will carry on with me with my next lecture जिसमें मैं crystal lattice के बारे में आपको बताने वाला हूँ और बहुत सी chemistry में आपको आगे explain करने वाला हूँ. Thank you so much for this time.